है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्शन लाइन है। ड्रो टूल बार में जो सेकंड टूल बार होता है कंस्ट्रक्शन लाइन, मैं आज आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज क्या होता है और उसे आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन को सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन भी कहते हैं। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यूज जरूर बनाए होंगे, उसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, रियर व्यू, जैसे व्यूज आपने किसी ऑब्जेक्ट के जरूर बनाए होंगे। तो आपको पता होगा कि वहां पर हम जब किसी ऑब्जेक्ट के व्यू बनाने होते हैं तो उसके मेजर पॉइंट पर से, ऑब्जेक्ट के पॉइंट पर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे कंस्ट्रक्शन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं। वही कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्शन लाइन यही है। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का व्यू ड्रॉ करना है तो आपको प्रोजेक्शन लाइन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में इस तरह से आप उसे क्लिक करके हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली प्रोजेक्शन लाइन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगल है और अगर उसे मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ और उसका प्रोजेक्शन लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में इसके फोर कॉर्नर पर क्लिक करके एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, सेम यहाँ पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल के चार प्रोजेक्शन खींच दिए। अब मैं उसके टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू पर काम कर सकता हूँ सेम मेजर में। तो इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन का यूज आप ऑटोकैड के अंदर कर सकते हैं। थैंक यू। We'll be right back.